Hello students and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. I am Nikhil Saini and again I am in front of you with another The Hindu Analysis video. तो आज है 17 नवंबर 2022 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू को. आज का हमारा सेक्शन दो पार्ट्स के अंदर हम कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का एडिटोरियल सेक्शन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर. अब बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की. वॉर कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग G20. G20 के अंदर एक कॉन्सेंसस डेवलप हुआ है. सब लोग इस चीज पे अग्री हुए हैं कि वॉर जो है वो ह्यूमन सफरिंग का बहुत बड़ा एक रीजन है. अब यहाँ पे नोट करने वाली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले तो किसी भी तरीके से रशिया पे निशाना नहीं साधा गया है. यहाँ वॉर मेंशन किया गया है तो टारगेट सिर्फ वॉर को किया गया है. दूसरी चीज यहाँ पे कहा गया है कि अभी इस समय पे ये एसेंशियल है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करें और उसी के साथ साथ मल्टीलेटरल सिस्टम को जो है प्रमोट करें. जो एरा है आज का वॉर का उसे हमें खत्म करना है और उसे आगे नहीं लेके जाना. वॉर जो है बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने लेके आता है. सबसे पहले यहां पे जो है इकोनॉमी नीचे जाने लगती है, इकोनॉमिक स्लोडाउन हम देखने लगते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है, सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है, फूड सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम आने लगती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क पे आ जाती है. तो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है और कहा गया है कि वॉर जो है वो इमेंस सेक्रीफाइस कॉज कर रही है. किसको? ह्यूमंस को. इमेंस सफरिंग है उनके लिए. ये G20 के अंदर कॉन्सेंसस डेवलप हुआ. एट COP27 इंडिया एंड 3 अदर अपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स. अब कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है? तो कार्बन बॉर्डर टैक्स यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रपोज की गई एक पॉलिसी है, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसके थ्रू वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जो कार्बन इंटेंसिव है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सीमेंट एंड स्टील. अब यहाँ पे अपोज करते हुए सामने आया बेसिक ग्रुप. बेसिक ग्रुप के अंदर कौन कौन है? ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना. क्यों? क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये डेवलप कर रही हैं. इनका कहना ये है कि हम हाल फिलहाल में डेवलप कर रहे हैं तो हमें थोड़ा समय दिया जाए ट्रांजिशन के लिए, ताकि हम जा सके क्लीनर एनर्जी की तरफ और ग्रीनर एनर्जी की तरफ. इसलिए इंडिया ने इसे अपोज किया. अब बात आती है केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब की. गवर्नर को ये कहा गया कि आप एक ऐसा ऑर्डिनेंस प्रमलगेट कीजिए जो ये कहता हो कि अब से गवर्नर जो है चांसलर नहीं रहेगा यूनिवर्सिटीज का, जो कि स्टेट के अंदर है. क्यों? इसके लिए यूज किया गया पुंछी कमीशन की दी हुई एक रिकमेंडेशन, जो ये कहती है कि जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, जिसके पास नॉलेज है, उसे हमें चांसलर अपॉइंट करना चाहिए और गवर्नर को जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उससे उसे फ्री कर देना चाहिए. अब यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान साहब का कहना यह है कि मैं इसे प्रिजर्व करूंगा किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए. तो उन्होंने साफ साफ अंदेशा दे दिया है कि वो किसी भी तरीके से इसे पास नहीं करना चाहते. केरला गवर्नमेंट ने गवर्नर को कहा है कि हम असेंबली का सेशन चाहते हैं, तो प्लीज आप असेंबली का सेशन बुला दीजिए. अब असेंबली के अंदर वो बिल प्रेजेंट करेंगे और बिल को वहां से पास करवाएंगे. बट चीजें यहीं खत्म नहीं होती, ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं खत्म नहीं होता. अगर असेंबली के अंदर से वो बिल पास भी करवा लेते हैं, LDF जो है वो पास करवा लेती है उस बिल को, तो भी सामने परेशानी खत्म नहीं होती, क्योंकि लास्ट में एसेंट तो चाहिए होगा गवर्नर का ही, और अगर फिर से गवर्नर साइन करने से मना कर देते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट वहीं का वहीं आके ठहर जाएगा. ये चीज हमारे सामने आ रही है. हो सकता है वो उस पर साइन कर दे या प्रेसिडेंट के लिए उसे रिजर्व कर ले, तो कुछ भी हो सकता है. बट एक चीज तो साफ है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म होते हुए नहीं दिख रहा. अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन की. दिस अनसीटिंग ऑफ वाइस चांसलर्स इज फॉल्टी. अब यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं PDT आचार्य, इस चीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. जितने भी व्यूज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो इनके पर्सनल हैं, वो मेरे नहीं हैं, और उसमें कुछ चीजें में हम अग्री कर सकते हैं, कुछ चीजों में हम अग्री नहीं भी करेंगे. तो हम इसको पढ़ लेते हैं एज इट इज कि इन्होंने क्या क्या चीजें बताई गई हैं. तो इन्होंने कहा है कि दो हाल फिलहाल में ऐसे जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसकी वजह से ये जितनी भी चीजें हैं ये सामने आई हैं. पहला केस उन्होंने बताया गंभीरदान के गढ़वी वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात March 2022, जिसके अंदर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो गुजरात के अंदर है वहां पे वाइस चांसलर को हटा दिया गया इस कंडीशन के ऊपर कि UGC की रेगुलेशन के अनुसार ये जो बताया गया है कि एक सर्च कमेटी होनी चाहिए बिफोर अपॉइंटिंग वाइस चांसलर, वो वहां पे
नहीं बनाई गई थी। तो इस तरीके से यह बताया गया कि स्टेट लॉज मैटर नहीं करते, क्यों? क्योंकि यहां पे कौन ओवरराइडिंग पावर लेके आएगा, तो यूजीसी के रेगुलेशंस ओवरराइडिंग पावर लेके आएंगे। और ये जो उनका अपॉइंटमेंट था, ये स्टार्टिंग से ही क्या था, वॉइड था, नल एंड वॉइड था, ये चीज सही नहीं थी। दूसरा केस हमारे सामने आता है केरला से, जो है प्रोफेसर श्रीजीत पीएस वर्सेस डॉक्टर राजश्री एमएस, इन दोनों के बीच में ये केस हुआ, जिसके ऊपर जस्टिस एम आर शाह एंड एम एम सुंदरेश ने अपना जजमेंट देते हुए ये कहा कि जो वाइस चांसलर है एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के, उन्हें हटाया जाता है, क्योंकि सर्च कमिटी ने सिर्फ एक ही नाम सामने रखा, जबकि सर्च कमिटी को 3 से 4 नाम सामने रखने चाहिए थे जिसके अंदर से उसे इलेक्ट किया जा सके। अब इतनी ही नहीं रुकी ये बात, बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई जब इसके अंदर एंटर हुए केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इस जजमेंट के बेसिस पे बाकी जो 11 वीसीज हैं अदर यूनिवर्सिटीज के, उनसे क्या मांग लिया, इमीडिएट रेजिग्नेशन मांग लिया, बोला कि आप भी रिजाइन कर दीजिए, हाथों हाथ रिजाइन कर दीजिए। हाल फिलहाल में ये चीज कहां चल रही है, केरला हाईकोर्ट के अंदर किसी भी वीसी ने रिजाइन नहीं किया है ऑन दी डायरेक्शन ऑफ गवर्नर, बट ये चीजें क्या है, इंटेंसिफाई हो गई है और बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि कोर क्या है इस इशू का, किस चीज के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं कि अपॉइंटमेंट जो है वीसीज का, वो किसके अनुसार होना चाहिए, वो स्टेट एक्ट के अनुसार होना चाहिए कि यूजीसी के रेगुलेशंस के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल 254 जो है वो ये कहता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट आता है, जैसे एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं लॉज, स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। अगर स्टेट और सेंटर दोनों उस पे लॉज बना देते हैं और ऐसा हमारे सामने आता है कि स्टेट के बनाए हुए लॉज जो है वो इनकंसिस्टेंट है सेंटर के लॉ के साथ, तो कौन सा प्रिवेल करेगा, तो प्रिवेल करेगा सेंटर का लॉ, ये बताया गया आर्टिकल 254 के अंदर। बट यहाँ पे इनका कहना ये है कि क्या एक साइड जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसने लॉ पास किया है प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, और दूसरी तरफ कौन है, एक सबॉर्डिनेट बॉडी जिसको हम यूजीसी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो क्या ये चीज सही है कि नहीं, तो इन्होंने कहा है कि ये जो कंक्लूजन इन्होंने लिया है ये फॉल्टी है, आर्टिकल 254 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सहारा लिया गया है वो फॉल्टी है, और इसके लिए उन्होंने अपने तर्क बताए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर आप आर्टिकल 254 को ध्यान से पढ़ें, एकदम बारीकी से पढ़ें, तो वहां कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को ओवर पावर दे देंगे ओवर दी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू पास किए हुए लॉस के ऊपर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को लगा देंगे, ये चीज नहीं दी गई है। तो एक हमें सब्सटेंटिव लॉ चाहिए, ना कि सबॉर्डिनेट लॉ, अगर हम ओवर पावर करना चाहते हैं किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, तो वो लॉ एक्चुअली में पास हुआ होना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, ना कि किसी बॉडी के रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। दूसरी चीज, जो रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए जाते हैं वो सेम प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते, जैसे एक पार्लियामेंट लॉ बनाता है उस तरीके से ये चीज नहीं पास होती, तो हम कभी भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे जो है एक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एक जो एक्ट होता है उसकी रीडिंग्स होती है, उस पर बहस होती है, उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं और फिर जाके पार्लियामेंट उसे पास करता है, बट रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकाल दिए जाते हैं, बॉडी अपनी खुद की स्वेच्छा से निकाल दी जाती है, उसके ऊपर इतने चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते, तो हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन को भी ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि एक्ट जो है वो इक्वल है रूल्स एंड रेगुलेशन के। थर्ड, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ को डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर। यहाँ पे राइटर का ये कहना है, अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का फेर आ जाता है, इन्हें लग रहा है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो है उसी पार्ट तक सीमित है, फंडामेंटल राइट्स तक ही सीमित है, ये इनका मानना है, पर जजेस का मानना है कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल है। तो यही खेल आता है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का, क्यों इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रोचक सब्जेक्ट माना जाता है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है, बिकॉज इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, आप अलग अलग मायने निकाल सकते हैं चीजों के, जितनी आपकी सोच जा सके, जितने प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनके बेसिस पे। तो यहाँ पे ये बताया उन्होंने कि यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो लॉ के अंदर रूल्स रेगुलेशंस को ट्रीट ना किया जाए। फोर्थ, दिस इज वायलेशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल, ये फेडरल प्रिंसिपल का वायलेशन है, कॉन्करेंट लिस्ट पे जो स्टेट की पावर है उसका वायलेशन है। लास्ट में उन्होंने एक पॉइंट रखते हुए ये कहा
कि यूजीसी के पास ऐसा स्कोप ही नहीं है कि वो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के बारे में कोई भी निर्णय ले, ऐसा यूजीसी एक्ट के अंदर कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यूजीसी एक्ट के अंदर वो पावर ही नहीं दी गई है यूजीसी को, आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास वो पावर ही नहीं है तो उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने किस तरीके से पास किए। तो इसे वापस रीचेक करना चाहिए अर्जेंटली कि क्या उनके पास ये पावर है भी या नहीं, ये चीज सोचने जैसी है। राइटर का कहना यह है कि आर्टिकल 254 को वापस इन डेप्थ जाके जो है इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए कि क्या एक्चुअली में जो जजमेंट आया है वो सही है या नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं इस आर्टिकल की समरी देना चाहूं तो इस आर्टिकल के अंदर सिंपली ये बताया गया है कि वाइस चांसलर जिस कंडीशन पे हटाए जा रहे हैं वो यूजीसी की रेगुलेशंस है, यूजीसी के रूल्स है। बट आर्टिकल 254 ये कहता है कि एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट अगर वो जो है कॉन्फ्लिक्ट करता है स्टेट लॉ के साथ ऑन कॉन्करेंट लिस्ट तो स्टेट लॉ को ओवरपावर कर देगा, ओवरराइड कर देगा। बट किसी भी तरीके से एक जो सबॉर्डिनेट बॉडी है यूजीसी की जैसी, एक सबॉर्डिनेट लॉ है या बोल सकते हैं एक सबॉर्डिनेट रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो किसी भी तरीके से एक एम्पावर्ड हमारे रिप्रेजेंटेटिव से भरी हुई स्टेट लेजिस्लेचर को ओवरपावर नहीं कर सकता। बगदाद गेट्स अ गवर्नमेंट बट वॉयलेंस हॉन्ट्स इराक। अब आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इराक के अंदर जो है अब एक गवर्नमेंट आ गई है और जो वहां पर ट्रांजिशन पीरियड था जिसके अंदर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रखा था, अब वो सिस्टम खत्म हो गया है, वहां पे परमानेंट गवर्नमेंट आ गई है। हाउ ऑल दिस हैपेंड उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है। तो पिछले महीने में दो डेवलपमेंट हुए इराकी पॉलिटिक्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला ये था कि जो कुर्द के अंदर पॉलिटिकल डिवाइड्स थी, कुर्द जो डिवाइडेड थे, जिसके अंदर कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्या किया, विथड्रॉ कर लिया अपना इंसिस्टेंस किस चीज के लिए, नॉमिनेट करने के लिए प्रेसिडेंट को, और एक्सेप्ट किसे कर लिया, अब्दुल लातिफ रशीद को एक्सेप्ट कर लिया जिसे नॉमिनेट किया गया पेट्रोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान द्वारा। तो पहली चीज तो ये डिवाइड खत्म हो गई। तो किसको अपॉइंट किया गया, प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया। और इराक के अंदर जब तक प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट नहीं हो सकता। तो किस तरीके से अपॉइंट किया गया, मिस्टर राशिद का अप्रूवल आया प्रेसिडेंट की तरीके से फ्रॉम द मेजॉरिटी सपोर्ट इन पार्लियामेंट। किस दिन हुआ ये, अक्टूबर 13। और उसके बाद नॉमिनेट किया गया मोहम्मद शिया अल सुदानी एज अ प्राइम मिनिस्टर और अक्टूबर 27 उन्हें भी जो है पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल गया। तो इस तरीके से वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है, ना कि वहां पे कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। बट वहां का जो सिस्टम है अभी भी वो क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इराक का पॉलिटिकल सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम पे बेस्ड है, मुहासा सिस्टम पे बेस्ड है। मतलब इसे हम कह सकते हैं स्पॉइल सिस्टम पे बेस्ड है कि जो वहां पे इराकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपस में बांट लेंगी पावर। कौन कौन से ग्रुप्स के अंदर बटेंगी, शिया सुन्नी खुर्दिश पॉलिटिकल ग्रुप्स, इन सब पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में ये पावर बढ़ जाएगी। बट हमने ये देखा कि जो इफेक्टिव पावर सिस्टम है वो एक टाइट कोएलेशन सिया पार्टीज के पास ही रहता है और बाकी जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है वो शेयर किया जाता है सुन्नी और कुर्द ग्रुप्स के साथ। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वहां पे प्रेजेंस किसकी बढ़ जाती है, तो वहां पे प्रेजेंस बढ़ जाती है ईरान की, क्योंकि ईरान इज अ शिया नेशन, तो वहां पे उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ जाता है, ये चीज हमने देखी। इस सिस्टम के खिलाफ पॉपुलर अपराइजिंग भी हुई, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। कब किया, अक्टूबर 2019 में बहुत सारे लोग जो है सड़कों पे उतर आए। उनका मानना ये था कि जो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, चाहे ईरानियन हो चाहे अमेरिकन हो, इसे जो है बंद करना चाहिए। और इस पे आया स्टेट वायलेंस। स्टेट वायलेंस मतलब पूरी तरीके से इसे क्रश कर दिया गया, लगभग 600 लोग मारे गए और 20,000 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। और इस समय पे आई एक केयर टेकर गवर्नमेंट, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो हो गई फेल। लास्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे मुस्तफा अल खदीमी, जिन्होंने पोजीशन ली थी मई 2020 में, और उन्होंने कुछ चेंजेस किए इलेक्शन के अंदर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि उन्होंने किया अक्टूबर के अंदर लास्ट ईयर। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता, इलेक्शन जो है दो साइड्स की तरफ आ गया, दो ग्रुप्स बन गए शियाज के अंदर। पहला था मेजॉरिटी नेशनल गवर्नमेंट, जो ये चाहता था कि गवर्नमेंट बने, डिफरेंट सेक्ट्स हो उसमें, एथनिक ग्रुप्स हो, बट किसी भी तरीके से फॉरेन इन्फ्लुएंस ना हो। इसे लीड कौन कर रहा था, तो इसे लीड कर रहे थे मुक्ताद अल सदर। दूसरा ग्रुप हमारे सामने आता है दी कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, जो क्या था, जो प्रो ईरान शिया पार्टीज और मिलिटिया उसके अंदर इंक्लूडेड थी,
वो चाहती थी कि शिया यूनिटी और शिया डोमिनेशन के ऊपर बेस्ड वो पॉलिटिकल ऑर्डर वो कहीं पे भी ना जाए। अल सदर ने बहुत ज्यादा मेहनत करी ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी मेजोरिटी ला सके, बट इन चीजों को दो घटनाओं ने रोका। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने मना कर दिया कि हम किसी भी तरीके से आपको जो है बैक नहीं करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि इससे जो है डाइल्यूशन होगा शिया इन्फ्लुएंस का और ईरानियन इन्फ्लुएंस का। सेकेंड, जो कुर्द्स थे वो यूनाइटेड थे पहले, बट अब वो डिवाइड हो गए केडीपी और पीयूके में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पीयूके को राइट दे दिया गया है प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का, बट बीच में इनके बीच में डिवाइड आ गया था। अब वो डिवाइड यहां पे दिख रहा था, तो इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ही नहीं है। अल सदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, शो ऑफ फोर्स चालू किया, अपनी ताकत दिखाना चालू किया। उन्होंने बोला कि हमें क्या है पार्लियामेंट्री प्रीमाइसिस को ऑक्यूपाई कर लेना है, वहां पे टेंट्स लगा देने हैं ग्रीन जोन में। इसका मतलब यह था कि हम लॉन्ग टर्म तक वहां रहने वाले। फिर अचानक से उन्होंने क्या किया, जून 12 को अपने मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट किया कि आप क्या करें, आप रिजाइन कर दें पार्लियामेंट्री सीट से। पर शायद ये उनकी गलती रही, क्योंकि इराकी लॉ के अंडर अगर एक मेंबर रिजाइन करता है तो उसे रिप्लेस किया जाता है उस कैंडिडेट्स के साथ जो सेकेंड हो इलेक्शन में। सो ओवरनाइट क्या हुआ, जितनी भी अल सदर की पार्टी की मेजोरिटी थी वो पूरी पूरी अचानक से चली गई, और जो कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क थे उसके साथ और अपने अलाइज जुड़ गए और उनके यहाँ क्या आ गया, सपोर्ट आ गया। कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने अनाउंस किया कि मिस्टर मोहम्मद अल सुदानी हमारे जो है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट रहेंगे। अगस्त 27 को अल सदर ने अनाउंस किया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं पॉलिटिक्स से, और वो वायलेंस की तरफ चल गए। बट ये चीज पार्लियामेंट्री सिस्टम को नहीं रोक पाई। कुर्द्स अग्री कर गए कि प्रेसिडेंट जो है वो पीयूके चुन सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, और फिर उसके बाद इनवाइट किया जाएगा मिस्टर अल सुदानी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अल सुदानी ने अपने कैबिनेट उसी तरीके से रखा है, मुहासा सिस्टम से ही रखा है। उनके कैबिनेट के अंदर 23 जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो सिया फैक्शन से आते हैं, और बाकी जो बचे हैं वो आते हैं सुन्नी और कुर्दिश मिनिस्टर्स। नए प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि वो करप्शन को हटाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, बट ये दिखने में थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि उनके जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। तो वो इस तरीके का कोई कदम उठाएंगे या नहीं, इस चीज का हम कोई आइडिया नहीं बता सकते। बट अभी भी अल सदर जो है वो शांत नहीं बैठे हैं, वो सीरियस कंसर्न है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो वायलेंस की तरफ चले गए हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे इराक की पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है वो देखने लायक होगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वायलेंस से पीछा छुड़ाया जाए ये आसान नहीं लग रहा इराक के अंदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज द हिंदू एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है, आपके पास कोई भी तरीके का सजेशन है, प्लीज फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मेरे अंदर भी उस गति के साथ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा जिस गति के साथ आना। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच।